नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद का जज्बा लेकर आगे आए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक गुरुद्वारे ने कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए अनोखी पहल की, आप भी देखिए। गुरुद्वारे में भोजन का लंगर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अब गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर देखने को मिल रहा है। लोगों को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इंदिरापुरम के एक गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद हो सके। ये कदम तो सराहनीय है, लेकिन समझ नहीं आता इस तस्वीर को उम्मीद की किरण कहे या देश का दुर्भाग्य। गुरुद्वारे में ऑक्सीजन सिलेंडर की बात फैली तो गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। देखिए किस तरह गाड़ी में बैठे बुजुर्ग को ऑक्सीजन दी जा रही है। कल रात से हमने स्टार्ट की है, अभी तक 225 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम, कि लोगों को गाड़ी में लेके आइए। सारे जो पेशेंट हैं, हमें पता हो कोविड है, तो इस करके कोविड पेशेंट को ना आपको बाहर निकालना, ना आपको अंदर बिठाना, हम गाड़ी में ही मास्क लगा के आपको ये सेवा दे रहे हैं, हमारी खालसा इंटरनेशनल। और उसके अलावा लोगों की टेस्टिंग, दवाइयाँ, लंगर, इस कोविड की महामारी में सारी सेवा इस गुरुद्वारे से दी जा रही है। गुरुद्वारा इंदिरापुरम खालसा की टीम हमारे साथ में लगी हुई है और ये सेवा हमारी ऐसे चलती रहेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गाजियाबाद के DM साहब और VK सिंह जी से, आप प्लीज़ इस ऑक्सीजन के लिए, हमारे बैकअप के लिए 20-25 सिलेंडर 12 घंटे के लिए हमें प्रोवाइड कराइए, ताकि हम लोगों की यहाँ पे जान बचा लें। आप मुझे 25 सिलेंडर दिलवाएंगे, मैं 1000 आदमियों की जान बचाएंगे, 1000 आदमियों की। सिर्फ इंदिरापुरम नहीं, दिल्ली के कोने कोने से जरूरतमंद यहाँ आ रहे हैं। शुक्रवार रात तक यहाँ लगभग 300 लोगों को ऑक्सीजन दी जा चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।